दोस्तों टाटा आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर मिस्टर संजीव गोविंदका जिनके पास इतने बिजनेस है जिसे कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। एचएमवी सारेगामा भी इन्हीं कंपनी है। तो आईपीएल 2025 को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है टीम के ओनर संजीव गोविंदका ने। उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर ऐसी बात बोली है जिससे कि काफी ज्यादा आईपीएल में खिलाड़ियों को बोली के रेट में बहुत ज्यादा आसमान छूने वाला है। अभी जिस दाम में खिलाड़ी खरीदे जाते हैं लगभग 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, इसके आसपास यानी कि मैक्सिमम अगर देखा जाए तो मिशेल स्टार्क खरीदे गए थे लगभग 25 करोड़ रुपए के आसपास में। लेकिन संजीव गोविंदका ने जो बयान दिया है रोहित शर्मा को लेके, वो ऐसा बयान दिया है कि आने वाले टाइम में ऐसा भी होता है कि एक एक खिलाड़ी 70-70 करोड़ में बिके, एक एक खिलाड़ी आपको 40 करोड़ में भी बिकता हुआ नजर आए। संजीव गोविंदका ने ये कहा है, डू यू इवन नो इफ रोहित शर्मा इज एंटरिंग द ऑक्शन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन विदर मुंबई इंडियंस रिलीज हिम और नॉट, एंड इवन इफ रोहित डस कम टू द ऑक्शन स्पेंडिंग 50% ऑफ योर पर्स ऑन वन प्लेयर विल मेक इट डिफिकल्ट टू बाय अदर प्लेयर्स। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को रिलीज करती है और रोहित शर्मा ऑक्शन में आते हैं तो रोहित शर्मा को खरीदने के लिए ये एनी चोटी को जो लगा देंगे, इतने पैसे खर्च करेंगे कि अपने खाते का लगभग 50% के आसपास खर्च कर देंगे। तो जब ये 50% के आसपास खर्च करेंगे तो दूसरी जो टीमें हैं वो भी लगभग 50-55 के आसपास खर्च करेंगी। यानी कि इनका उद्देश्य ये है कि जो अदर टीम के ओनर हैं उनका जो पर्स है जो 95 करोड़ रुपए के आसपास का होता है ऑक्शन में खिलाड़ियों को खरीदने के लिए, उसका लगभग 50% के आसपास ये रोहित शर्मा के पीछे खर्च करवाने के मूड में है। यानी कि जिस हिसाब से इनकी सोच है, जिस हिसाब से ये करने वाले हैं, उस हिसाब से आने वाले टाइम में जो भी बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे एमएस धोनी हो, चाहे रोहित शर्मा हो या और नए खिलाड़ी जो उभरते हुए नजर आ रहे हैं, उनको खरीदने के लिए टीमों को 33-35 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। जिस तरह की स्ट्रेटजी ये बना रहे हैं 2025 में आईपीएल के ऑक्शन के लिए, तो आगे आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस रिलीज करती है या नहीं करती है। अगर रिलीज करती है तो ये किस रेट में बिकते हैं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। तो बाकी जो भी जानकारी नहीं आएगी वो तुरंत मैं आपको पास ला के देने की जरूर कोशिश करूंगा।